हास्य की भाषा नहीं लिखी है नहीं गजल सुनाती हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है नहीं गजल सुनाती हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। तो मंदिर या मस्जिद का, तो मंदिर या मस्जिद का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। नमस्कार, मैं सृष्टि आज आप लोगों के सामने एक ऐसे विषय पे को लेकर आई हूँ जो केवल भारत का नहीं परंतु पूरे विश्व की समस्या बन चुकी है। पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। जी हाँ, वही कोरोना, उसी COVID-19 के बारे में मैं आज बोलने जा रही हूँ। एक तरफ हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार कितना प्रयास कर रहा है और दूसरी ओर कुछ देश विद्रोही लोग इसे मानने को तैयार ही नहीं। उनका क्या कहना है कि कोरोना फ्रोना जैसी कोई बीमारी नहीं, मैं तो इसे गले लगा लूं। अब उनको कौन समझाने जाए कि ये कितना खतरनाक और कितना घातक बीमारी है। ऐसा नहीं कि उन्हें वो ये पता नहीं, वो तो बस अपनी मतबुद्धि देश के सामने रखना चाहते हैं। बात केवल एक जिले की हो, एक राज्य की हो तो चलती, यहाँ तो पूरा देश, पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, तब भी उनका यही कहना है। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी उन्हीं लोगों के लिए जिनका कहना है कि कोरोना फोरोना जैसे कुछ बीमारी नहीं, और उनके लिए भी जो ये कहते हैं कि एक फालतू से विषय पर पूरा देश बोले जा रहा है। तो मैं बता दूं कि प्रीत के जो सीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगी, प्रीत के जो सीत गिरे तो गीत प्रेम की गाऊंगी। मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगी, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगी। जुल्फ लिखूंगी कजरारे और चाल ढाल मतवाल लिखूंगी, जुल्फ लिखूंगी कजरारे और चाल ढाल मतवाल लिखूंगी। धड़क किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगी। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगी चिल्लाऊंगी, गली गली में घूम घूम कर माँ की गीत सुनाऊंगी। आजाद भगत सुभाष पटेल को राख उड़ीद जगाऊंगी और शमशीर बनाकर कलम को अपनी, शमशीर बनाकर कलम को अपनी, तिरंगा की जयकार लिखूंगी दुश्मन के छाती पर चढ़कर, दुश्मन के छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगी, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगी। हमारे डॉक्टर, हमारे पुलिस और हमारे आर्मी क्या क्या नहीं करती। आर्मी तो देश की जान है, ये ना रहे तो शायद देश ना रहे। और अभी की परिस्थिति में डॉक्टर, पुलिस और यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी एक भगवान का रूप ले चुके हैं और लोग इनका भी अनादर करते हैं, इनका भी कोई आदर नहीं। हाँ, कहीं इन्हें भगवान बनाकर पूजा तो जाता है, पर कहीं इन्हीं पर थूका जाता है। अगर तुम भी किसी के माता पिता भाई बहन हो, कभी किसी के माता पिता और भाई बहन का आदर कर लेना सीखो। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी उन्हीं मददगारों के लिए, और वो मददगार हमारे स्वभाव को देखकर हमसे क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है, ए लोगो हम तेरी खातिर, ए लोगो हम तेरी खातिर जान अपनी गवाते हैं, ए लोगो हम तेरी खातिर जान अपनी गवाते हैं। लाख बुलाए हमारी माँ फिर भी घर नहीं आते हैं। अरे हम तो तुम सब के लिए नींद चैन गवा देते हैं, और तुम हमसे ही प्रश्न पूछकर हमें ही रुला देते, और तुम हमसे ही प्रश्न पूछकर हमें ही रुला देते। अतः मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं वो हमारे ही करतूत का किया धरा है। भले नहीं ये जो बीमारी है वो चीन से उत्पन्न हुआ, पर इसे लाए तो हम मनुष्य ही हैं। हम मनुष्य कितने दिनों से प्रकृति को तकलीफ पहुंचा रहे थे, और कुदरत का करिश्मा देखिए, उसने बस एक छोटे से वायरस से इतना बड़ा तबाही मचा दिया। कुछ तो गलती किए हैं हम लोग, वरना यूं मंदिर और मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं होते। आज हम अपनी बात अपने भगवान को भी कहने नहीं जा सकते, क्योंकि वो हमें हमारे ही किए हुए कर्मों का दंड दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, अभी भी समय है। आप लोग न्यूज में तो देख ही रहे होंगे कि वो चांद जो कभी सफेद हुआ करता था,
पीला पड़ चुका था। वो हमारे एक महीने के लॉकडाउन में दोबारा अपनी सुंदरता बिखेरने लगा। वो गंगा जिसको साफ करने के लिए कितने अभियान चलाए गए तथा कितने का पैसा खर्च किया गया, पर वो गंगा साफ नहीं हुआ। हमारे एक महीने के घर में रहने से वो गंगा पूर्णतः साफ हो चुका है। और भी कई उदाहरण है बताने को, पर मैं अब अपने देश को प्रोत्साहित करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। मैं अपने देश से कहना चाहूंगी कि आज तू बिखरा है, आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा ही। हवाएं विपरीत ही क्यों न चले, हवाएं विपरीत ही क्यों न चले, तुझे कल के लिए है तैयार होना। तू कदम कदम पर बढ़ेगा ही, तुझे कल के लिए है तैयार होना। तो आज तू गिरेगा ही, तो आज तू गिरेगा ही। और अंतिम का कुछ पंक्तियां मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी जो कहते थे कि भारत कुछ नहीं कर सकता, और वही भारत आज पूरे विश्व को दवाई बनाकर दे रहा है। तो मैं कहना चाहूंगी कि पता है वो भारत हमेशा अपने आप से क्या कहता था, वो भारत कहता था, और वो भारत हमें क्या मोटिवेट करना चाहता है सुनिएगा। वो भारत कह रहा है, दिस सी माई डिसेबिलिटी, यानी कि अनदर कंट्री, दिस सी माई डिसेबिलिटी, आई सी माई एबिलिटी, दे कॉल मी डिसेबल, दे कॉल मी डिसेबल, आई कॉल माई सेल्फ डिफरेंटली एबल। देर आर सम इंसिडेंट दैट हैपन इन योर लाइफ, दोज इंसिडेंट ब्रेक यू, दे फॉर्म यू, बट दे मोल्ड यू इन टू द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। सो द सेम थिंग हैपनिंग विथ अस नाउ। So stay home, stay alive, stay safe and keep smiling. Jai Hind, Jai Bharat.